नमस्कार डीडी राजस्थान रा मरुधरा कार्यक्रम में आप रो घो स्वागत है आज मैं ले रहा वास्ते डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावारी रा रविन्द्रनाथ टैगोर आदरणीय परम आदरणीय कन्या लाल जी सेठ जलम भूमि पधारिया है आपने अबार ही साहित्य अकादमी को भाषा अनुवाद को पुरस्कार मिलो है घर आपको एक उपन्यास है पर मिलो है और इके अलावा आपको आप लघु कथावा लिखे हैं, आपको ठूंठ और अटकल आपका लघु कथा का संग्रह है और रा चित्राम आप कविता संग्रह है और नई जो न, जापानी एक तकनीक आई है कविताओं में भी पर हाइको माँ बाप पर हाइको लिखा है आप कन्ह लालजी सेठिया पर पूरा मोनोग्राफ लिखो है और आपका कई अनुवाद भी आया है आप पर सब पर आप आज बात कर और सब मोटी बात है कि कन्याला जी सेठ है कि भोम आया है तो मन बात करता बड़ो हर्ष महसूस सूर्य है कि बाऊ जुड़ोड़ी आप भी, बात, कर तो भी पहली मां की 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 बात करूं मैं भाषा री खिमता ने तोलन री ताकड़ी है कविता भाषा री खिमता न तोलन री ताकड़ी है कविता शब्दारा भारा में चंदन री लाखड़ी है कविता साच है सोटंज नई न पुरानी है कविता मिनखरे हिये में उकलते भोबरी है कविता तो एड़ी बातां सुनता थका आप बड़ा हुआ सब पहले तो मैं आपको स्वागत करू स्टूडियो में डॉक्टर साहब और ज्ञान यान की बात सुनता थका आप बड़ा हुआ तो आपको बालपणों तो कुछ खास ही रियो है तो भी बात आप शुरुआत करा कि आपको बालपणों क्या बीते हो बीत्यो हाँ, मरो को आभार कामना जी आपरो आज आप प्रश्न छेडी दियो कन्हैयालाल जी सेठियारो तो मारो जन्म तो जोधपुर में हो लेकिन जोधपुर में मैं 10 साल रो थे में सुजानगढ़ आयो हाँ, और सुजानगढ़ आज तो मारो स्कूल रे मायने थे मारो एडमिशन करायो तो मारी पाटेकन में मैंने कविता ही हम्म सेठियालाल जी सेठिया री भी लिखो कन्हैयालाल सेठिया और जन्म सुजानगढ़ 1919 11 नवंबर 1919 हां हां ग्यारह सितंबर उन्नीस सौ उन्नीस तो मैं देखियो कि सुजानगढ़ कोई व्यक्ति है और माँ की कविता आप पढ़ रही तो क्यों नहीं आपा भी माऊ मिला और नहीं। नहीं। आपा बीत हो हुआ। जी बना आप बीतरे तो आइडल बनाओ आदमी आप लोग हमारा बचपन में ही मैं एक आइडल बन गया बीटन में कोई साधन कौन को हो आप बातचीत करना रो। तो मैं कठिन भी बातचीत कर माऊ एक एड्रेस कबाड़ो कलकत्ता में रहता और एक पोस्ट कार्ड लिखो मैं आपकी कविता पढ़ हूँ मैं भी आप बढ़ना चाहूँ या जो भी हमारे बाल पुरानी बात आई मन में लिखी पोस्ट कार्ड काटूँ इतना से हृदय व्यक्ति वे वे हा ये पाछों मांगो जवाब आयो और मैं मन कियो कि भी ठीक है थाने राजस्थानी का लिखना चीज़ है राजस्थानी भी जमाने में भी बहुत पढ़ना तो बहुत मुश्किल बात है कट पढ़ना कट लिखा लेकिन फिर भी मैं मांगी प्रेरणा हूँ राजस्थानी गानी में उन्मुख है वहाँ पर लिखा राजस्थानी भाषा में क्या लिखा और मैं हमारा भी जमाना का मायने जब मैं पंद्रह साल का हो तो हमारा संपर्क राजस्थान का भी जो बड़ा बड़ा लेखक है हमारे जब आसपास क्षेत्र में वैजनाथ जी पंवार बड़ो नाम हो किशोर कल्पना कांत जी बड़ो नो सीताराम जी महर्षि महर्सियां सामोर साहब सगला लोगों परिचय पत्र माध्यम से करवा दियो तो स्कूल टाइम स्कूल टाइम में, में करवा दियो तो मारे मारे ऊपर मैं बचपन से बड़ी जिम्मेवारी आगी बहुत बड़ा जगह में रह रही हूँ तो राजस्थानी भाषा री मैं तो माना की राजधानी है जैसे ठियारी मैं राजस्थानी भाषा रो आंदोलन चलायो राजस्थानी साहित्य संस्कृति री बात करी करी बट मन लगे मारे पर बचपन में बहुत जिम्मेवारी आ गई तो मारो पूरा झुकाव राजस्थानी का नहीं हो गयो मैं जोधपुर में पैदा हो तो जोधपुर की जो बोली है हमारे अंदर ही

तो एक भलो काम चाहे मैं क्या करूँ कोई लोग कोई सहयोग करू या कुछ भी करूँ एक भलो काम रोज कुछ ना कुछ लिखो हाँ। नियमित आदत बनेगी तो बाद देखता आज मैं तुम्हें तो देखू तीस साल के बीस साल के इतिहास में लगात कु है और कुछ लिखा हो क्या लिखा हो लगा लिखा हो मैं मानू की पूरा सर्जन यात्रा मैंने सेठ या और मैं मांगे सेवा कर रही हूँ प्रसाद अच्छी बात है लोगों की छाया साथ में

तो मनwidetilde वो खुशी हुई बा आज आजwidetilde के तमाशा तो 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 हाँ। हाँ। तो में बाद में मन को खुशी को नहीं बिल्कुल बहुत पहली बार से खुशी लग गई और बस वो कानी की तरफ मान लो झुका हुआ कानी लेखन हिंदी में हो फिर राजस्थानी में करना हो तो राजस्थानी में लिखने वास्ते बात आवे वा कि आपने राजस्थानी और अध्ययन बहुत चीज है या तो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि हो तो आप चीजें देखो मैं शेर आयो महानगर हूँ महानगर हूँ सुजानगढ़ में आयो सुजानगढ़ भी एक कस्बो हो तो वो आप बस चीजें देख कौन पावा तो फिर राजस्थानी अध्ययन करने वास्तवान किताबा पत्र पत्रिका बेटा जब मानक आउती फिर जहां जाती जोत आऊँती बड़ी पत्रिका फिर वो पत्रिका में तो होती नियमित अध्ययन मारे एक मैं शुरुआत करी तो मन लगे धीरे 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 धीरे

ठूठ अच्छा आठ ऊँट है हाँ ये मैं ए, आपकी लघु कथा हुआ हाँ लघु कथा हुआ है, हाँ, हुआ है। हाँ। और मैं जहाँ राजस्थानी में कहना लिखी हुई कहना छपकी है एक बारे में भी आपने बताना चाहूँ कि 2004 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया अच्छा तो मन लागे कि मैं हमारे जीवन के अंदर ने कुछ को ने दे हाँ। तो अब मैं कहानियां तो भेड़ी कर और पिताजी ने समर्पित करी अच्छा। और मैं समर्पण में लिखी हुई हूँ आप पहली पोथी हमारे आदर जो पिताजी मानना जी जी ओरु ने समर्पित करूं जिका मैंने आंगली पकड़ मानना सिखाया आखर और आखर शू माननी सिगत और बगतरी सच्चाई

तो, तो अच्छा चोका चोका गीत तो भाई इतना अच्छा चौका चौखा गीत लिख दिया आपका पता जी कल्याण सिंह राजा साहब एक अनिल सीठे मांग गीतारी मुकाबलो पूर्ण कर सी तो मेरे को जो चीज़ा राजस्थानी साहित्य में कोनी हो रही जी हाँ दूसरी विधा अनुवाद और काम कोनी हो रही है निबंध कौन कम लिखी सर लुप्पकथा और काम राजस्थानी में कम हो रही है राजस्थानी में हाइक अगली विधाओं में काम कम हो रही है तो यह चीजा राजस्थानी में ले रहा हूँ बहुत बढ़िया राजधानी और बल्बी हो सी और जल्दी इन पहचान भी बन सी मत मनो बात में करी फिर मन में क्यों मेरे को क्यों फर्क पड़े तो मन कियो कि अब युग आ है वो युग आ रही है को युग आ रही है आदमी दो चार पांच शब्द में कर पूरी बात समझ जाए बा व्यक्तियों ने आने वाली पीढ़ी

आप एक जगह लिखी हुई है की लोगों की संवेदना रही है तो लघु हाँ। कथा बिल्कुल है। बहुत लगुकता। लगुकता विधा भी है कि आप एक चीज ने जो आप समाज चाहो कि समाज दृष्टिकोण बदलना चाहो तो आप आप मायने एक बार बात लेर तुरंत समाज रे मायने आप डाल सको तुरंत असुर आप देख सको बिल्कुल आपकी ठूं की बात ही मैं छोटी छोटी लघु कथा है आपकी एक और है किताब भी समृद्ध क्या हुआ तो छोटी कहानी पढ़ने के बाद में भी कुछ शब्द भी का लोग सुने क्योंकि सीठी जी मैंने याद आया कि मायर भाषा बोलता ऐसा कपूत आखो दे समाज सही बात तो आप कि अपनी नई पीढ़ी राजस्थानी भाषा ने क्या पढ़े राजस्थानी संस्कृति में क्या जुड़े तो मैं लोगों को थोड़ा बड़ा योगदान है छोटी सी कहानी हुए बच्चों बिन्न पढ़ ले

एक मैंने छंद मुक्त कविता है uh, मैं एक नयो प्रयोग करो जीवन चित्राम में जीवन विषय माथे मारी इक्यावन कविता है हाँ, आप एक ही विषय पर लिखे एक विषय में मैं एक विषय जीवन में लियो और मारी में इक्यावन कविता जीवन माथे है और मन लोग क्या भी करे जैसे भगवती जी व्यास एक मायने मारो फ्लैग मैटर और सोमगिर जी महाराज रो एक मायने आशीर्वाद मिलो और आपको थी मारी माता ने समर्पित करी तो मैं मन कि जीवन में तो एक समय किशोर अवस्था बिग माइन आदमी श्रृंगारा गीत लिखे हाँ। और मैं भी किशोर अवस्था में मृत्यु बोध लिखो तो मृत्यु बोध लिखो मन खुद नहीं मैं, मैं क्या लिखे? मन लगा कि जी चीज आप पढ़ा आप हाँ। समाज में देखा, देखा, अपने अंदर जो कि भाव आवा भाव हमारी किताब जी तो इमो में कोई कविता मैं आपने बिल्कुल इमो एक कविता आपके सामने देना चाहूँ इन एकवन कविता है अंतिम कविता है हिंडो जी आप झूलो के वहां बिना तो मैं आप हिंडाऊ तुलना करी जीवन रही कि जीवन हिंडो क्या है, है। कि जीवन जिया हिंडो जीवन जिया हिंडो हिंडावे सुख और दुख बिचारे सुख दुख बिचारे ज्ञान और अज्ञान बिचारे पीड़ और धीर बिचारे जीवन रोहिणो हिंडावे काचे और पाके बिचाड़े काचे और पाके बिचाड़े अंड़े और कौड़े बिचारे अड़ुजाट और सुरजाट बिचारे जीवन रोहिणो जीवन रो हिंदावे hmm. hmm. मन और बुद्धि बिचाड़े hmm. मन और बुद्धि बिचाड़े हां hmm. हिंदावे मन और बुद्धि बिचाड़े धर्म और कर्म बिचाड़े हां hmm. <laughs> अंतर दोन हरदम दो मेरे hmm. रहे मिलन के जीवन में धर्म और कर्म बिचाड़े hmm. दिन और रात बिचाड़े जीवन hmm. रो हिंदावे चेतन और अचेतन बिचाड़े हिंदावे चेतन और अचेतन बिचाड़े मोह और मुक्ति बिचाड़े भाव और भ्रम बिचाड़े जीवन रो हिंडो भूख और राम और रोटी राम काम भक्ति और शक्ति विचारे जीवन रोइंडो हिंडावे लोक और परलोक विचारे हिंडावे लोक और परलोक विचारे आत्मा और परमात्मा बिचारे और जलम और मौत विचारे जीवन रोइंडो

और आप अब थोड़ी देर पहले बात कर आ रहा जब आप हाइकू की बात करा तो हाइकू आप सेठिया जी, जी। की प्रेरणाओं लिखा बांका केव हाँ। लिखा और आपकी एक पोथी आई है माँ बाप माँ बाप जी तो इनमें पूरा हाइकू है माँ बाप बाप जैन मुनवर राणा माँ पर लिखा है हाँ, आ, आप पिता पर ज्यादा लिखे मैं हमारी कल्पना रही कि घर में जो आप बचपन हुआ या आपनो जीवन हुआ तो और पिता दोनों लोग बड़ो, बड़ो बराबर योगदान हुआ लेकिन आज तक शास्त्र में आप देखा कि माँ पर बहुत कुछ व्याख्या हुई मारी लेकिन बाप जो है जो पिता हुए वो घर की धुरी हो बिना घर परिवार कौन चाले

खावे बचीड नहीं तो खाया जो माँ बाप रा गदीड खावे बचीड थोड़ा नहीं साची है। तो इस जगह में जो पिता है वो क्या हो कि बाप रो नहीं है माँ प्रेम करे मारो बात सल मारी बात आपने दिख जावे पर बाप प्रेम आपने दिखे को लेकिन बाप ज्यादा प्रेम करे वो क्या करे कि बाप रो नहीं है बाप रो नहीं है कट्ठे कितो बरसे मुद्रो में मुद्रो में

बाप पाले औलाद हाँ हाँ। खेती रजियां, बाप पाले, पाले औलाद पड़ पड़ी गयो काल पड़ गयो तो काल और काल पड़ते बाप खेती भी नष्ट हो जावे तो इधर का हुए अब जियां जका टाबर जका टाबर खाई बापरी थाप जका टाबर खाई बापरी थाप बापरी थाप पायो धनाप बस सफल हो जीवन रमाइन, वाह बहुत अच्छी बात है

कालजीरा टुकड़ा मार बाप रे कालजीरा काल टुकड़ा बाळे कालजो बाळे कालजो वो समय चल रहे हो बार तुम्हें काजरो भाई बाळे तो काजर टुकड़ा है सो एक सीख भी है ये नया नुवा समाज ने और एक हाइकू मैं आपने देना चाहूँ कि दिवलोर बाती दिवलोर बाती बलर देव उजास दिवलोर बाती बलर देवे उजास उजास मार बाप मार

मारो पेट पालनो मारो पेट पालनो हिंडावे हिंडा मारो, मारो पेट पालनो सगला हिंडे सगला हिंडे सब मारे पेट तो निकल आप जो लोग आ गए रहे हैं तो मां तो मारी व्याख्या आप कर कौन सका इस शब्द के माध्यम से लेकिन आपने श्रद्धा है भाई किताब के माध्यम से मैं दी बहुत बहुत बढ़िया हाइकू है बहुत सार गर्भ है है ना गागर मसागर भरवाड़ा नहीं जी आओ नहीं अब आप बात कराएंगे घर बायरो

तो आप बच्चों पसंद पूछो मारे अनुवाद एक नई चीज ही दो हजार बारह में पुस्तक छपी घर बाई रो और वो असमिया उपन्यास सैद मलिक साहब रो अगरी आत्मर कहानी घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति की कहानी बिना पकैस का यायावर, नहीं। नहीं। यायावर। नहीं एक हिंदी अनुवाद हो यायावर अच्छा। मैं उल्टो करो इमें एक पात्र है शशांक अच्छा एक मेरे पिताजी बड़ा नेता हुए और वो भी आसाम की जो संस्कृति है बीक मैंने वो शशांक एक

सिंधी कविताओं हाँ सिंधी कविताओं तो, आधुनिक आदु, भारतीय कविता संचय सिंधी कहानियां 2050 हजार पचास दो हजार तक जो विस्थापन की पीड़ा सिंधी समाज जो झेली है सिंधु लेर में भारत में आया तो बी पर जो मांगा कवि है सिंधिया का दो हजार पचास और दो हजार दस तक का मांगी चुनिंदा कवि यहाँ पर एक एक कविताओं मांग की वो अनुवाद में सिंधी कविताओं का अनुवाद करो हु। वासुदेव मोहित साहब का संपादन करो हु। और फिर मेरी राजस्थानी बोल्थो में, में करो वो भी अपने आप में एक बहुत लाजवाब काम है अपन लगे कि पूरी सिंध की संस्कृति है समाज इस समाज ने अपना शरणार्थी वो वास्तव में पुरुषार्थी समाज है

मैं मारो जीवन में सब महत्वपूर्ण काम मानूँ हाँ। पर मारो श्रद्धा जो मारे सेठ जी के प्रति ही मन बुलाया गया साहित्य अकादमी द्वारा जैसलमेर में, में। एक राइटर मीट हुई पिक माइन में राजस्थानी प्रतिनिधित्व कर साल पर गयो तो मन लागो कि सब लेखकारी किताबा है इस सीरीज में लेकिन सेठा जी, जी आना बड़ा राइटर आने को बादरी पट्टी का राइटर आताबाँ बेखाकारी किताबाई आ रही तो मना पीड़ा हुई बीटे में अर्जुन देव जी चारण बढ़कर समन्वय हमें बात करी तो मैंने सैर स्वीकृति दी कि तुम प्रस्ताव भेज मैं बात कर स मैं एक प्रस्ताव भेजो और एक मनो प्रस्ताव दियो पाँच साल ही पूरा काम में ला गया सीठा परिवार कठूँ आयो कठे सुधांगण में क्या बसिया क्या संस्कार कविताओं कविता कठीलाल सेठिया ने मिलिया और सेठा जी किस तरह कविता लिखी आगे पिताजी कित तरीका वहाँ जहाँ जैन समाज हुआ तो क्या अहिंसावादी कविताओं में मैंने अहिंसा शांति और संदेश किस तरीका वहाँ अंदर आयो कित तरीके वहाँ क्रांति ज्वाला जागी पूरी बात बातें मैंने लिखकर

तो आइए साहित्य में समाज सेवा में जो मैं करूँ मारो एक रुचि को विषय है और जीवन में बिस्तर तो मैं चाहूंगा एक समग्र जो मैं लिखी हो हाँ। मारी कविता है हाँ। बात करा तो एक कविता का ही भरोसो कुछ मित्र मन जरूर किया कि आप आप तो तो समय हो तो मैं कविता हाँ, मैं जान है तो बात कर ली तो आप एक लघु कथा पाठ जो श्रोता सुने

पानी री पाल रो पानी के पाल रो पंखेरो री खाल रो मौत री चाल रो और सर्वर री ढाल रो काई भरोसो काई भरोसो नेता री बात रो सियाला री रात रो ठगारी जात रो और पजर री बरसात रो काई भरोसो काई भरोसो लुगाया रे मिजाज रो काई भरोसो लुगाया रे मिजाज रो मोटा रे भाग रो अपनायत रे घाव रो और झांसा रे व्यापार रो काई भरोसो काई भरोसो सोना भाव रो सटारे दावरो नक्तारे मानरो mm -hmm. और सुमणारे दान रो काई भरोसो mm -hmm. काई भरोसो मिनखरे माथा रो mm -hmm. चोर रे हातारो mm -hmm. उधारी रे खातारो mm -hmm. और सुपनारे सांचा रो काई भरोसो बहुत बढ़िया काई भरोसो mm -hmm. नाजोगारे काम रो mm -hmm. इच्छावारे धाप रो भोला रे भाव रो और लोभी रे इंसाफ रो काई भरोसो काई भरोसो दारूरी मनवार रो टुटोड़ी पटवार रो कड़ेगारी गर्नारो और जिनियोड़े परिवार रो काई भरोसो बहुत बढ़िया काई कविता भरोसो जोगि दी भक्ति रो आगे दी मस्ती रो जोगि दी मस्ती रो फौजी दी शक्ति रो काई भरोसो कविता काफी लंबी है हाँ। तो मैं चाहूं कि इस तरीका री वाता आपा चल रिया आज रो कार्यक्रम जो है वो अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी वातावाण कर रिया और आप खूब सारी बातें आप करनी भी पर आपने टाइम सीमा है आप अटे पधार आप बहुत धन्यवाद आपने बुला और बुलासा और खूब सारी बातें कर बिल्कुल आप आभार मैं दूरदर्शन दिसंबर भी आभार व्यक्त करूँगा आप बुलाये आपने बात करी जरास्थान जरास्थानी